अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास, बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन, घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज एक अपील करते हैं कि प्लीज, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, तो प्लीज आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद जरूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर। ऐसे ही ऑनलाइन अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं, तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से आप चैनल की हर हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200-500 हजार रुपए पाबंदी से मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आइए, पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हमारे प्यारे मुल्क में बीजेपी के कुछ खबीस जहन के जिम्मेदार लोग, प्रवक्ता, स्पोक पर्सन जैसी खबीस औरत नुपुर शर्मा और एक बहुत ही योगी आदित्यनाथ का करीबी नवीन जिंदा, इन खबीसों ने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और अब उसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी ने पूरा एक हफ्ते तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर बीजेपी की खामोशी बता रही है कि बीजेपी खुद चाहती है कि कानपुर जैसे फसादात हो और माहौल बिगड़े और इसका फायदा हासिल हो। कार्रवाई कुछ नहीं हुई और फिर उसका नतीजा निकला कि हमारे प्यारे मुल्क को नुकसान पहुंचा और पूरी दुनिया में हमारे प्यारे मुल्क का बायकॉट, हमारे प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाने लगा। मशरिक़ वुस्ता में ट्विटर पर इल्ला रसूल अल्लाह या मोदी ट्रेंड करने लगा। ओमान के मुफ्ती आजम की गुस्ताखे रसूल के खिलाफ होने की, खड़े होने की ओमान के मुफ्ती आजम ने अपील कर दी। कतर और कुवैत की वजारत खारजा में हिंदुस्तानी सफीर को बुलाया गया। अरब मुल्कों में हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स का बायकॉट शुरू हो गया। उसके बाद लीबिया के दारुल इफ्ता ने भी बायकॉट की हिमायत में फतवा दे दिया। पूरे हिंदुस्तान में, कानपुर समेत पूरे हिंदुस्तान में लगातार धरने, आंदोलन, एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी पर जब प्रेशर आया पूरी दुनिया का, तो देखिए प्रेशर कितना काम करता है कि कम से कम इस खबीस औरत को पार्टी की सदस्यता से भी निकाल दिया, मेंबरशिप से निकाल दिया। लेकिन लोगों का यह कहना है कि निकालना तो एक बहाना है, आगे बड़ा इनाम दिया जाएगा। नौकर शर्मा को, ऐसे तमाम खबीसों को जब कोई इस्लामी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, तो आगे चलकर बीजेपी बड़ा इनाम देती है, तो आगे इनाम दिया जाएगा। इसलिए अब लोगों का यह कहना है कि सिर्फ पार्टी की
सहजता से निकालना यह मसले का हल नहीं है, बल्कि नौकर शर्मा और नवीन जिंदाल इन दोनों खबीसों को जेल की सलाखों में ठूंसा जाए। जी हाँ, और इनको ठूसा ना जाने और इन पर कार्रवाई नहीं करने की वजह से क्या हुआ है कि बाहर कोई अपने मोदी जी की तस्वीर कचरे के डब्बे पर लगी हुई है, वो देखकर मुझे भी शर्म आ रही है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम की तस्वीर कचरों के डब्बों पर लगाई गई है। आए काश के जैसे मुझे शर्म आ रही है वैसे ही इनको भी शर्म आए और वो नौकर शर्मा या नवीन जिंदाल इन तमाम खबीसों पर कड़ी कार्रवाई करें। हम नहीं चाहते कि हमारे वजीर आजम का बाहर मजाक उड़ाया जाए, उन्हें कचरों के डब्बों पर लगाया जाए और उन्हें थूकने की जगह उनकी तस्वीर लगाई जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे वजीर आजम की बेइज्जती हो और हमारे प्यारे मुल्क की चीजों का बायकॉट हो। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत अगर मक्कार नहीं है तो फौरन इन खबीसों को जेल के सलाखों में डाला जाए ताकि फिर कोई खबीस कोई शैतान ऐसी हिम्मत न कर सके। रियासत उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि कानपुर में आज से 3 रोज पहले फसाद फूट पड़ा। वजह क्या थी कि नौकर शर्मा जैसी खबीस औरत और नवीन जिंदाल जैसे लोगों को कार पर कार्रवाई नहीं की गई तो आखिर फिर ये हुआ कि मामला तो पूरा पुरअमन था लेकिन जो कुछ भी फसाद फूटा सारी वीडियोस तस्वीरें आपके सामने हैं। और तस्वीरों में एक शर्मनाक बात यह भी है कि तस्वीरों में बकायदा पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई नजर आ रही है। और अब लोगों का यह कहना है, पोजिशन पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी चाहती है कि ऐसे हालात बने, वरना जब पहले से ही मुसलमान कह रहे थे कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बीजेपी ने पहले इन खबीसों पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी ताकि कानपुर जैसे हालात मुल्क में ना होते। लेकिन बीजेपी की खामोशी और नौकर शर्मा और नवीन जिंदाल पर कार्रवाई न करना यह इस बात की अलामत और दलील बताई जा रही है कि बीजेपी खुद चाहती है कि ऐसा माहौल बने। खैर, पुलिस की जुल्म ज़ाती की वीडियोज हद से ज्यादा सामने आ रही है। जी हाँ, एक तरफा कार्रवाई की खबरें भी सामने आ रही है। और मैंने 2 दिन पहले प्राइम न्यूज में मैंने सनीचर को यह कहा था कि बुलडोजर अब किधर चलेंगे और कार्रवाई किन पर होगी ये भी आपको बताया जाएगा। तो अभी तक की जो खबरें सामने आ रही है, कानपुर के मुसलमानों का साफ तौर से कहना है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और बकायदा भगवा आतंकी पुलिस के सामने आतंक मचा रहे हैं। यहां तक कि वहां के बुजुर्ग आलिम दीन मुस्लिम धर्मगुरु और काजी शहर अब्दुल कुद्दूस साहब पर भी जुल्म ज्यादती का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये इसलिए भी बताना जरूरी है ताकि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया तो ये नहीं बताएगी लेकिन आप हमारी वीडियोस को खूब वायरल करें ताकि दुनिया के सामने ये जाए कि कानपुर में यूपी में कैसे एक तरफा कार्रवाइयां की जा रही है। कानपुर से ही जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में जो फसाद फूट पड़ा उसका अहम मुलजिम और मास्टर माइंड हयात जफर को बता दिया गया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कनेक्शन जोड़ दिया गया। अब वीडियो वायरल हो रही है इसी हयात जफर की और तस्वीरें वायरल हो रही है इसी हयात जफर की कि हयात जफर ये वो समाज सेवक है जिसने कोरोना के मौके पर हुकूमत को लेटर लिखकर ये कहा था कि मेरे घर को कोविड सेंटर बना दिया जाए और जो अपनी जान पर खेलकर जात और धर्म देखे बगैर उस वक्त हिंदू मुसलमान सबकी खिदमत कर रहा था। लेकिन ऐसा समाज सेवक भी अब कानपुर तशद्दुद और फसाद का अहम मुलजिम बना दिया गया। घर से 4 तंजीमों के दस्तावेज और फंडिंग के सुराग का दावा भी किया जा रहा है और वीडियो के बावजूद वहां के मुसलमानों का कहना है कि एक तरफा गिरफ्तारी की जा रही है और एफआईआर दर्ज करने वालों पर ही छापे मारे जा रहे हैं। यानी जो एफआईआर दर्ज करने पहुंच रहा है उसी के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। अभी फिलहाल हालात नॉर्मल है, एसआईटी की तशकील दी गई है लेकिन कानपुर में जो कुछ हो रहा है मुल्क सब देख रहा है कि किस तरीके से कानपुर में एक तरफा मामला चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी शर्मनाक खबर सामने आ रही है। गौकशी के इल्जाम में एक मुस्लिम नौजवान पर तशद्दुद किया गया, उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया, 5 पुलिस अहलकारों पर मुकदमा दर्ज हो गया। ये खबर का जुमला खुद बता रहा है कि वहां तशद्दुद जहां भगवा आतंकी करते हैं
वहीं पर बकायदा वर्दी वाले भी किसी भी तरीके से मुसलमान अगर नजर आया तो नहीं बख्शते हैं, बल्कि आतंकियों की तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया को इस नौजवान ने बताया कि पुलिस वाले ने मेरे बेटे के मकद के अंदर यानी प्राइवेट पार्ट के अंदर एक छड़ी मारी और उसे बार बार बिजली के झटके दिए। यानी आप अंदाजा लगाएं कि पुलिस का आतंक कितना खतरनाक रहा। उत्तर प्रदेश में बरेली के एक थाना में एक 22 साल मुस्लिम नौजवान को स्टेशन हेड ऐसे ही चार कांस्टेबल और दो मालूम नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। आखिर 5 पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस वालों पर मुकदमा इसलिए भी हुआ कि बकायदा मेडिकल लीगल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद पाया गया कि मुल्जिम पुलिस अफसरान के खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए वो बिल्कुल दुरुस्त है और उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अगला दिन कश्मीरी पंडितों और कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है, चौंकाने वाली खबर है। भूपेश बघेल ने तो डायरेक्ट कहा है कि केंद्र सरकार मोदी सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो गई है और मरकजी हुकूमत की जो पॉलिसी थी 370 वाली वो भी पूरी तरीके से फेल हो गई है और कश्मीरी पंडितों को जो निशाना बनाया जा रहा है। तो अरविंद जी केजरीवाल ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए ये कहा है कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है तो कश्मीरी पंडित हिजरत पर मजबूर हो जाते हैं। यानी उन्होंने खुलकर गोया कि इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि ये सारा खेल आखिर क्यों हो रहा है और उन्होंने कह दिया कि जब बीजेपी की सरकार आती है तभी कश्मीरी पंडितों को तकलीफ क्यों आती है, तभी कश्मीरी पंडित क्यों मारे जाते हैं, तभी कश्मीरी पंडित अपना मुल्क अपना गांव अपना इलाका छोड़ने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का इशारा बड़ा खतरनाक है। वहीं पर रविंद्र रैना ने भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों को माकूल सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला लिया गया, मुलाजमीन वादी में ही कयाम करें, ऐसा रविंद्र रैना की जानिब से कहा गया है। वहीं पर कश्मीरी पंडितों को लेकर महाराष्ट्र हुकूमत के मंत्री ने यह कहा है कि हम कश्मीरी पंडितों को जगह देने के लिए तैयार है, हम कश्मीरी पंडितों की हिमायत करेंगे, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, ऐसा बयान आदित्य ठाकरे का आया है। बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, जल्द ही अब आपको अपने जेब और पर्स और तिजोरी और बैंक में रखे हुए नोटों पर गांधी जी की तस्वीर सिर्फ आप अब तक देखा करते थे, अब बहुत जल्द ही आपको नोटों पर रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरें देखने मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वजारत खजाना इस पर गौर कर रही है। जल्दी ही आपको नोटों पर मुल्क के 11वीं प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर देखने को मिल सकती है। अब तक हिंदुस्तानी करेंसी पर सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर ही छप रही थी, अब लोगों को महात्मा गांधी की फोटो वाले नोटों के साथ साथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर वाली नोटें भी देखने को मिल सकती है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है इस वक्त रियासत राजस्थान के जोधपुर से। जी हाँ, जोधपुर में भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। तब्दीली मजहब के खिलाफ जोधपुर में मुबैना तब्दीली मजहब के खिलाफ जोरदार भगवा तंजीमों ने हंगामा किया और हनुमान चालीसा पाठ पढ़ा। ईसाई मिशनरियों की तरफ से तब्दीली मजहब के खिलाफ वहां पर भगवा तंजीमों ने एहतजाज किया और कहा कि जल्द ही वो पार रोड पर वाके चर्च के बाहर भी जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। हिंदू तंजीमों के इस ऐलान के बाद इंतजामिया ने शहर में सिक्योरिटी का निजाम मजीद सख्त कर दिया है। यानी अब आप देख सकते हैं कि हनुमान जी, हनुमान चालीसा, राम जी, कृष्ण जी, ये सब के सब सिर्फ हमारी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अब हिंदू भाई भी कह रहे हैं कि ये तो हमारे भगवानों की भी तौहीन है कि सियासी लोग सिर्फ अपनी नापाक राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं और भगवान के नामों को यूज कर रहे हैं। आयदीन तौहीने रिसालत प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसी डिमांड और मुतालबा जमीयत उलमाए हिंद के नाज़िम उमूमी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी ने किया। वहीं पर आलमी सूफी सुन्नी तहरीक के बानी
मुफ्ती मोहम्मद मंजर हसन खान अशरफी ने भी कहा है कि नूपुर शर्मा और टाइम नाउ चैनल दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, हुकूमत तमाशाई बनकर माहौल खराब न करे। कानपुर पुलिस की जो कार्रवाई है उसको भी शक की निगाह से देखते हुए उन्होंने कहा कि खातियों को गिरफ्तार करके बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा है, खातियों को नहीं बल्कि बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब यह भी आवाजें उठ रही है कि टाइम्स नाउ चैनल जैसे लोगों पर भी कार्रवाई की जानी जरूरी है। वहीं पर जब पूरी दुनिया से दबाव आया तो मोदी हुकूमत ने घबराते हुए सिर्फ नूपुर शर्मा को पार्टी से सदस्य से निकाला, लेकिन यह काफी नहीं है, बल्कि अभी सदस्य से निकाला, बाद में बड़ा इनाम बीजेपी उसे दे सकती है। कानपुर फसाद को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर से हमारे रिपोर्टर अब्दुल मालिक ने बताया कि मुफ्ती शहर काजी शहर मोहतरम अब्दुल कुद्दूस साहब जब उस मामले को समझाने के लिए गए तो भगवा तंजीमों के कट्टरपंथियों ने और आतंकी जहन के लोग रखने वालों ने मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती शहर काजी शहर अब्दुल कुद्दूस साहब के साथ भी बदतमीजी की। मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि काजी शहर ने भी यह कहा है कि कानपुर में पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है जिससे मुसलमानों में और गुस्सा बढ़ रहा है। और उन्होंने खुद ये कहा कि जब तशद्दुद में हिंसा में फसाद में दंगे में दोनों समाज शामिल है तो फिर एक ही समाज का नाम क्यों लिया जा रहा है और एक ही समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी और योगी आदित्यनाथ की पुलिस भी एक तरफा बदमाशी करती हुई नजर आ रही है। बड़ी अफसोसनाक खबर जिसे सुनाते हुए भी दिल कांप रहा है, रूह कांप रही है। जी हां, खबरें आ रही है शोलापुर से कि शोलापुर में मां बाप ने ऐसी हरकत की कि कोई जानवर भी ऐसी हरकत नहीं करता। अपनी ही 16 महीने की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाकर बाप ने कत्ल कर दिया। कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। जनवरी में शोलापुर में एक 16 माह की लड़की के वालिदैन को जुमेरात को अपनी ही बच्ची के साथ जिंसी ज्यादती के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई है। जनवरी में बच्ची की लाश मिलने के बाद पुलिस ने वालिद के खिलाफ जिंसी ज्यादती और मां के खिलाफ कत्ल में मुलव्वस होने का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई हुई और सिर्फ 5 महीने में अदालत ने यह फैसला सुना दिया। रिश्ते को शर्मसार करने वाला यह वाकया 3 जनवरी 2022 को सिकंदराबाद शहर में पेश आया था। बेटी को कत्ल करने के बाद मियां बीबी ने लाश को सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन में ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे। दोनों को मशकूक हालत में देखकर एक मुसाफिर ने रेलवे पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया और अब मौत की सजा 5 ही महीने में कोर्ट ने सजा सुना दी है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।